नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि राजस्थान में एक के बाद एक नई विचित्र और रूह कपा देने वाली शर्मसार घटनाएं सामने आ रही हैं। यह घटना राजस्थान के अलवर जिले की है। जिस प्रकार से अलवर में बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप की घटना सामने आई थी, उसी की हूबहू एक और घटना हो गई है। यह राजस्थान वासियों के लिए बुरी खबर है। दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी हाईलाइट खबर सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट की जाती है, चाहे वो राजस्थान के किसी भी ज़िले से हो। राजस्थान के अलवर जिले में बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप जैसी एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। इसी के साथ अलवर जिला एक बार फिर शर्मसार हुआ है। जिले के मालाखेड़ा थाने में एक 22 वर्ष की लड़की ने मामला दर्ज करवाया है। 1.5 से 2 साल पहले उसके साथ 3-4 लोगों ने गैंगरेप किया और उसका वीडियो बना लिया गया था। इसके बाद से आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों की धमकी से डरी सहमी पीड़िता खुद पर हुए अत्याचार को लेकर अब तक चुप बैठी थी। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 25 जून को गौतम सैनी राजगढ़ की ओर से वीडियो देकर उससे मिलने का दबाव बनाया गया। जब लड़की नहीं मिली तो 27 जून को आरोपियों ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़ित युवती ने 28 जून को गैंगरेप का मामला मालाखेड़ा थाने में दर्ज कराया है। आरोपियों की ओर से 15 जून को पीड़िता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया था। उसके बाद से अनेक लोग उसे बार बार फोन कर ब्लैकमेल करने लग गए थे। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो पूरी घटना है आखिर किस प्रकार से घटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉलेज की परीक्षा देने गई, रास्ते से उसका अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद में उसके साथ गैंगरेप हुआ था। पीड़िता ने बताया कि वह गोरी देवी कॉलेज, जो कि अलवर की यह लड़कियों की एक प्रसिद्ध कॉलेज है, जिसे जीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, जीडी कॉलेज की परीक्षा देने आई थी। तभी एसएमडी चौराहे पर विकास उर्फ विक्की चौधरी निवासी, जो कि निठारी भूरू सिंह जाट निवासी हल्दीना ने किडनैप किया और वहां से किडनैप कर चिकानी रोड स्थित MIA क्षेत्र में लेकर गई। वहाँ चौकीदार उनके साथ मिला हुआ था, जहाँ ले जाकर उसे कुछ पिलाकर गैंगरेप किया गया। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से पूरी घटना हुई थी और इसको 2 साल हो गए हैं। उसके बाद में अब यह सोशल मीडिया पर जो वीडियो बनाई थी अश्लील, उसको वायरल कर दिया गया है, जिसके कारण अब मालाखेड़ा थाने में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे की जैसी भी जो भी न्यूज आएगी, सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान में 33 जिले हैं, जहां पर भी जो भी हाईलाइट खबर होती है सबसे पहले इस चैनल पर ही आपको देखने को मिलती है। इसलिए अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएँ, तथा इस घटना को आप किस अंदाज में देखते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएँ, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार की घटना प्रत्येक दिन आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद।